मैं ये बोल रहा था कि जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है अमृत वेला के बारे में, ब्रह्मरूप के बारे में, ऐसा बोला जाता है कि हमारे रात्रि में चार काल होते हैं। पहला होता है रुद्रकाल, जो शाम को 6 से रात को 9 तक होता है। दूसरा होता है राक्षस काल, रात को 9 से लेके 12 तक का। तीसरा होता है गंधर्व काल, रात को 12 से लेके 3। और चौथा होता है मनोहर काल, जिसको अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, भगवान का समय बोलते हैं, जो कि सुबह के 3 बजे शुरू होता है और सुबह के 6 बजे तक होता है। लेकिन जो इसकी पीक होती है ना, वो सुबह 3 से 4 की होती है। इस समय ऐसा होता है कि ब्रह्मांड में जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां होती है, एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा कालखंड होता है। इस समय जो तुम्हारी किस्मत है ना, जो तुम खुद हो, उसके ऊपर कर्मों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जैसे पता क्या होता है कर्मों का प्रभाव, पूरे दिन में जो भी मेरे पिछले कर्म है, या जो मेरे इस जन्म के कर्म है, या मेरे जो होने वाले कर्म है, उन कर्मों का मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नवग्रह का मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ग्रहों की मेरे ऊपर दशा है। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेरी थिंकिंग है, मेरा बिहेवियर है, वो सब कुछ ब्रह्मांड से इफेक्टेड है, मेरे कर्मों से इफेक्टेड है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी सोच आएगी, बुरे कर्म है तो बुरी सोच आएगी। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है ना, उस समय हमारा जो मन, हमारा शरीर, जो हमारा मन, तो उस समय शांत होता है, मन बिल्कुल शांत होता है, सुप्त अवस्था में होता है हमारा मन, इतना जागृत नहीं होता। और जो हमारा जो शरीर है, जो हमारा, हमारी जो आत्मा है, जो भी है, वो कर्मों के प्रभाव से उस समय मुक्त होती है। उस समय हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर हावी नहीं होता। तो अगर उस समय बैठ के तुम प्रभु चिंतन करोगे, प्रभु ध्यान करोगे, जो भी कार्य करोगे ना, वो कार्य सिद्ध होना निश्चित है। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई भी तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी। पर और उसमें पता क्या होता है, उस समय ऐसा होता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं हिमालय के अंदर, जो हमारे ब्रह्म ऋषि होते हैं, ब्रह्म ऋषि उन्हें बोलते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, तो हमारे हिंदुओं में, अब हिंदू में क्या बोलूं मैं, मतलब किसी भी धर्म में मान लो, चलो जो भी इंसान मनुष्य जीवन में आके अनाहत हो जाता है ना, यानी कि वो जन्म और मृत्यु की साइकिल से खुद को निकाल लेता है, उसको उसको बोलते हैं ब्रह्म ऋषि, कि ये जो है ना जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गया। अब जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनके हाथ में होता है क्या वो इस धरती को छोड़ के जाए, या फिर धरती पे यूनिवर्स में रह सकते हैं वो। उनके पास में टाइम ट्रेवल करने की पावर होती है, उनके पास में टेलीपोर्टेशन पावर होती है, टेलीपैथी, काफी पावर होती है। वो अपना शरीर बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, पंच महाभूत उनके कंट्रोल में आ जाता है जो ब्रह्म ऋषि होते हैं। तो जीवन मृत्यु से सबसे बाहर हो जाते हैं वो, ये शरीर तो कुछ नहीं है, 5 एटम का बना हुआ है वो, पता नहीं कितने शरीर बनाते हैं और कितने शरीर छोड़ देते हैं। तो वो क्या करते हैं, हिमालय के अंदर वहां पे गुफा के अंदर उनका ये चलता है कीर्तन, जो ब्रह्म ऋषि के ब्रह्मवाणी बोलते हैं उनको, वहां से वो प्रसारण शुरू होता है। तो जो प्रसारण का जो गुंजन होता है ना, वो पूरे ज्यादा हमारा जो पूरा ये लगा लो, हमारा जो भारत देश है ना लगा लो, पूरा यूनिवर्स मान लो, वो जो चिंतन है ना पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो साउंड घूमता है, वो फ्रिक्वेंसी घूमती है सुबह सुबह के समय में। और उस फ्रिक्वेंसी को तुम सुन नहीं पाओगे, पर जो फ्रिक्वेंसी है तुम्हें अफेक्ट करेगी, जैसे कि मोबाइल की रेडिएशन है, तुम उसे देख नहीं पा रहे, पर उससे तुम्हें भी तुम्हारे पे प्रभाव पड़ रहा है, रेडिएशन का मुझ पे पड़ रहा है। रेडियो की फ्रिक्वेंसी है, उसको तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन रेडियो की फ्रिक्वेंसी अभी भी है। एक नेटवर्क है जिसके थ्रू तुम और मैं बात कर रहे हैं, इसको तुम देख नहीं पा रहे, पर नेटवर्क अभी भी है। इसी प्रकार उनका जो प्रसारण हिमालय से शुरू होता है ना, वो वातावरण में गूंजता है, एक गुंजन होता है एनवायरमेंट में, सुबह सुबह एक गुंजन होता है, और उसी गुंजन के साथ में एक सुगंध निकलती है। और जो सुगंध निकलती है ना, वो सुगंध केवल और केवल 3 से 5 के टाइम ही वो होती है, और उसको तुम तभी सूंघ पाओगे अगर तुम उठ पाओगे। पर उन्होंने क्या सेटिंग कर रखी है कि इस समय जो तामसिक प्रवृत्ति के जो लोग है ना, जो ज्यादा आसक्ति में लगे रहते हैं, जिसको अपने शारीरिक भोग से ही मतलब है, वो इस समय चाह के भी उठ नहीं पाते। या तो वो पूरी रात जागा हो, तो वो मैं भी जाग सकता है, लेकिन वो चाह के भी उठ नहीं पाएगा इस समय। इस समय केवल वही इंसान उठ पाएगा जिसकी बॉडी में सात्विकता का भाव ज्यादा है, क्योंकि इस समय जो एनवायरनमेंट की जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, बहुत ज्यादा हाई पे है, और जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा मन है, उसको संभालने के लायक नहीं है। तो तुम चाह के भी इस समय उठ नहीं पाओगे, तुम्हारा सिर भारी लगेगा, तुम्हारी आंखों में जलन होगी। वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो तुम्हारा शरीर है ना, जो तुम्हारा मन है, अभी उस प्रसारण को सुनने के काबिल नहीं हुआ। पर धीरे धीरे जब तुम उठने की कोशिश करोगे ना, जो तुम्हारा शरीर उस चीज में अभ्यस्त होगा, जब वो देखेंगे तुम्हारे जो देव ऋषि हैं, वो तुम्हारे प्रयत्न को देखेंगे, और फिर वो भ्रमण करते हैं आसमान में, वो देखते हैं कि वो घूम के कौन क्या कर रहा है, वो देखते हैं ना कि अच्छा ये बच्चा पढ़ रहा है, ऊपर से ब्लेसिंग करते हैं कि चाह बेटा तू सक्सेसफुल हो जा तू कामयाब। तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं जो सुबह अर्ली में उठते हैं ना, उनके कामयाब होने के। क्यों रहते हैं? क्योंकि कर्मों के प्रभाव से अगले मुक्त हो गए, बहुत अच्छे विचार चल रहे हैं, ऊपर से ब्रह्म ऋषि का आशीर्वाद भी उनके साथ में। तुम्हारे और मेरे सबके हमारे गार्डियन एंजल होते हैं,
गार्डियन एंजल कौन होते हैं? हमारे पुरखे। तुमसे पहले भी तो धरती पे बहुत लोग आके मर गए ना, तुम्हारे बाप दादा कितने, जो उनके बाप के बाप के बाप, तो हो तो तुम उनका खून ही, मैं भी उनका खून हूँ, तो हमारे गार्डियन एंजल भी होंगे ना, हमारे नानकी के साइड के, हमारे दादकी के साइड के जो मर चुके, तो उनको वो तो हमें देख पा रहे हैं अगर वो धरती पे हैं तो। पर ये जो चीजें है ना काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर खत्म हो गया तो आत्मा धरती को छोड़ के चली गई, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। वो जो आत्मा है ना वो धरती को छोड़ के बेशक चली गई, लेकिन वो एक लोक के अंदर है। मानता हूं मैं उस आत्मा का दोबारा से जन्म भी होता है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हमारे गार्डियन एंजल होते जरूर है, जो हमारे हमारी रक्षा करते हैं बुरी चीजों से, विश्वास करने की बात है। लेकिन हाँ ये है कि जब तुम ब्रह्म रथ में उठना शुरू कर दोगे ना, तो तुम्हारा एक ओवरा डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी के आसपास एक ऐसा अदृश्य आवरण तैयार होगा जो तुम्हें बुरी नजरों से, लोगों की बेकार की बकवासबाजी से, उनकी गंदी वाइब्रेशन से बचा कर रखेगा, और तुम्हारा खुद का एक अच्छा ओरा डेवलप हो जाएगा। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि रात को 9 बजे के आसपास सो जाओ और सुबह में 4 बजे उठ जाओ। बट 3 बजे मैं इसलिए उठ पा रहा हूँ कि देखो, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है या फिर आपको कोई एक कार्य सिद्ध करना है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए आपको नींद की आहुति देनी पड़ेगी। नींद की आहुति दिए बिना वो कार्य सिद्ध कभी नहीं हो सकता, तो उस कार्य को सिद्ध करने का जो सर्वोत्तम समय है वो सुबह के 3 बजे का है। उस समय उठ के आप किसी प्रकार की साधना करोगे तो वो साधना जरूर फलीभूत हो जाएगी, पर इसके लिए टाइम लगेगा उस साधना को देखने के लिए। तो जितनी जो एक्टिविटी है ना, जल्दी खाना खाना या लोगों से दूरी बनाना, ये उसी कार्य के लिए है। अब देखो, जीवन को तुम दो प्रकार से जियोगे। अब पहले जीवन तो ये है कि अपने जीवन को दूसरों के अनुसार जी के खत्म कर लो, बेकार की लड़की से बात करो जिस लड़की का तुम्हारे साथ भविष्य भी तय नहीं है, वो भी टाइम पास कर रही है, तुम भी टाइम पास कर रहे हो, 1 साल बाद वो कहाँ तुम कहाँ तुम्हें खुद नहीं पता। और दूसरा रास्ता ये है कि रात को 9 बजे सो जाओ, सुबह 3 बजे उठ जाओ और इतना पैसा कमा लो, अपने आपको इतना मजबूत कर लो कि जो लड़कियां वगैरह वो ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आ जाएंगी। अभी दो बातें हैं, तो पहले में तुम खुद को खराब करके बैठ जाओ या दूसरे में देख लो। लेकिन दूसरा रास्ता जो है ना ये अच्छा है, इससे तुम्हारी एक इमेज बन जाएगी, तुम्हारी समाज में, परिवार में, सब में इज्जत बन जाएगी दूसरे रास्ते से। पर हाँ, लेकिन इस रास्ते में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो है नींद का सेक्रीफाइस। दो लोग देखो नींद त्यागते हैं, या तो आशिक नींद त्यागता है या एक मेहनत करने वाला त्यागता है। अभी तुम्हें देखना है कि तुम आशिक बन के त्यागोगे या मेहनत वाले बनोगे। सुबह 3 बजे उठना शुरू कर दोगे ना भाई, रिलैक्स वगैरह अर्जीज वगैरह सब खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी है ना उसमें सात्विकता आनी शुरू हो जाएगी, और जब तुम्हारी बॉडी में सात्विकता आएगी तो तामसिकता जो है ना तुमसे लाखों कोस भाग जाएगी दूर। तामसिकता शरीर में इसलिए आ रही है ना कि तुम्हारे जो तुमने अपने शरीर को एक जो चीजें तुमने देखी है उससे तुम्हारे अंदर मेटाबॉलिज्म का भाव पैदा हुआ है, तुम्हें शरीरों की तरफ आकर्षण पैदा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर का जो भ्रम तत्व है वो दब गया, कहीं छुप गया। लेकिन वो बीज तो तुम्हारे अंदर भी है भ्रम तत्व का, क्योंकि तुम भी तो एट द एंड परमात्मा के अंश हो ना, भगवान से तो आए हम सारे के सारे धरती पे। तो जो परमात्मा का अंश है, जो बीज है, वो बेशक दबा हुआ है लेकिन बीज तो अभी भी है। तो जो सुबह तुम 3 बजे उठोगे तो उस बीज को हवा पानी सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में तकलीफ होगी तुम्हें उस बीज को बाहर निकालने में और उसको अच्छे से संभालने में, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भगवान खुद ही उसको संभालना शुरू कर देंगे, और जैसे ही वो हल्का फुल्का पौधा निकलना स्टार्ट होएगा उसके बाद तुम देखना बेनिफिट बॉडी में कैसे आते हैं, फिर अर्जीज वगैरह फालतू की बकवास सब खत्म हो जाएगी तुम्हारी लाइफ में जितने भी है। और जो जो तुमको शारीरिक रोग है ना, गंभीर से गंभीर रोग है, उन सबका इलाज है सुबह 3 बजे उठना। क्योंकि जो एनवायरमेंट में जो हवा है ना वो नॉर्मल हवा नहीं है भाई, वो हवा जो है वो भगवान की सांसें हैं। कोई जो अच्छे किसी बड़े आदमी से बात करोगे ना जाके, जो कोई अगर सिद्ध इंसान होगा तो तुम्हें बताएगा कि जो सुबह के समय जो भगवान जो ब्रह्म ऋषि जो वातावरण में भ्रमण करते हैं ना, जो आसमान में जो फेरी लगाते हैं, उस समय जो उनकी श्वास होती है वो श्वास एक अमृत में श्वास होती है, उससे ही वो वातावरण में जो सुगंध होती है ना एक प्रकार की, वो बहुत अच्छी सुगंध होती है। वो तुम 3 बजे उठोगे ना तो 3 बजे उठने के बाद ही तुम उसको सूंघ पाओगे, वो बिल्कुल अलग सुगंध होती है। जो उगता है ना 3 बजे 4 बजे उसको पता है कि वो कैसी सुगंध है, वो सुगंध पूरे दिन में या रात में कभी नहीं होती, वो केवल उसी समय होती है। और उसको तुम्हें अगर सूंघना है, उसको तुम्हें दरवाजे खोल दो, खिड़की खोल दो, जितना हो सके उसको अपने अंदर लो सुगंध को, फिर देखो तुम्हारा DNA, तुम्हारी बॉडी, सब कुछ तुम्हारा चेंज होना शुरू हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, और जितने तुम्हारे पास्ट के कर्म कांड है सब तुमसे मुक्त हो जाएंगे। कर्मों से मुक्ति का समय वही है केवल। पर ये जो वातावरण है, ये जो माया का प्रभाव है, ये तुमको ऐसे जकड़ के बैठा है, ये तुमको उस ओर जाने नहीं देगा। तुम्हारा जो रैशनल माइंड है ना वो इतना ज्यादा बेकार है, वो तुम्हें तरह तरह के लॉजिक देगा, इतनी नींद पूरी नहीं हो रही, तेरी आंखों के डार्क सर्कल आ जाएंगे, तू ऐसे हो जाएगा, तू वैसे हो जाएगा,
ये केवल माया का प्रभाव है, ये केवल माया का प्रभाव है। इसको दरकिनार करके जो तुमने सोचा है ना, उसके ऊपर मेरी बात मान के 30 दिन अपने ऊपर एक प्रयोग करके देखो। 30 दिन का खुद पे एक्सपेरिमेंट करो कि मेरे को सुबह 3 बजे उठना है और मैं 3 बजे के बाद सोऊंगा नहीं, 3 से जो 6 की विंडो है ना मैं जागूंगा। 30 दिन उठो और उसके बाद तुम अपने अंदर परिवर्तन देखो। फिर शुरू में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जो शुरू में सर्जरी होती है ना इंसान की, ये सर्जरी है किस्म की, बहुत पेन होता है सर्जरी के टाइम पे, खून भी निकलता है, दर्द भी होता है, चीरा भी लगता है। लेकिन एक ऐसी सर्जरी है, इसके बाद का जो तुम्हारे अंदर का था तो निकल के आएगा ना, उसको तुम देख के खुद हैरान हो जाओगे कि ये मैं ही हूं क्या। लेकिन उतना सबर करना पड़ेगा तुम्हें, इतना संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष बहुत बड़ा है। 3 बजे उठना युद्ध भूमि है भाई, इजी नहीं है उठना, बहुत डिफिकल्ट है। हर रोज तुम्हें ले आ गया छोड़ दे, 4 बजे ठीक है, 5 बजे, लेकिन गिव अप नहीं करना। ये जो तुम्हारा मन है ना, तुम्हें हर रोज कमजोर बनाएगा कि यार तेरी नींद पूरी नहीं हो रही, तेरा ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात ये मान के चलो। तुम्हारी बॉडी है ना, वो तुम्हें खुद सुलाएगी 8-9 बजे। उसको बोलो अपनी बॉडी को, तू जल्दी सोना, उठना तेरे को 3 बजे ही है, जल्दी सोना शुरू कर दे, उठो, उसके बाद में अपना आधा घंटा में फ्रेश वगैरह हो जाओ, उसके बाद पढ़ो अपना बैठ के भाई, 3:30 से लेके 5 बजे तक अपना पढ़ाई करो, उसके बाद अपना 5 AM to 6 AM मेडिटेशन करो, पूरा दिन पड़े तुम्हारे पास में, क्या नहीं कर सकते तुम उसके बाद में भाई। जल्दी सो, जल्दी उठो अपना, ये जो तुम्हारी जिंदगी चल रही है कि रात को रिलैक्स करके सोना, सुबह 8-9 बजे उठना, ये बर्बादी की जिंदगी है, अब तुम्हारे ऊपर है ये, तो ये जिंदगी पकड़ लो 8-9 बजे उठने वाली, या 3 बजे उठ जाओ, बन जाओ योगी फिर अपने हिसाब से। पैसा देखो हर एक को कमाना है, तुम्हें ही पैसा कमाना है, मुझे ही पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा ही एक आवश्यकता है जीवन में। अगर जीवन को तुम्हें अच्छे से चलाना है ना, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा भाई, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो पैसा कमाना है ना, जो नैतिक तरीके से कमाना है, वो 3 बजे उठने के बाद ही तुम्हें नैतिकता आनी शुरू होगी। मेरी बातों में मत जाओ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो एक बार, 1 महीना अपने ऊपर प्रयोग करो, और उसके बाद देखो तुम्हारा शरीर कैसे चेंज होता है इस प्रयोग के बाद में। 3 AM एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको, करके देख लो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट। ये सब वहम है, तुम्हें लगता है ना कि बीमार हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो तुम, अमृत वेला में उठ रहे हो, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार से हमारे जो मनु ऋषि हैं, जो हमारे सुश्रुत हैं, जो हमारे जितने भी आयुर्वेद के बड़े बड़े वाग्भट है, जो जितने बड़े बड़े हमारे ऋषि थे आयुर्वेदा के, उन सबने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो तुम्हारा फंडा है ना, नींद पूरी नहीं होगी, वो तुम्हारा फंडा, तुम्हारा जो रैशनल माइंड है, वो तुमसे खेल रहा है भाई। किसने कहा ये हमें 8 घंटे की नींद चाहिए? हमारे ऋषि मुनि ने तो नहीं कहा। 3 रात को 9 बजे 10 बजे सो जाओ और सुबह उठो अपना 3 बजे, और फिर देखो करके ये एक्सपेरिमेंट, 1 मंथ करो और फिर बताना मेरे को कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। लेकिन 1 महीने तक खुद को रोक पाना बहुत डिफिकल्ट है इस एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये तुम्हारी आंखों में जलन मचाएगा, पूरा दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि नींद आने को हो रही है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ना वो चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारी जो एनर्जी है वो उठनी स्टार्ट हो रही है, उसका ये पेन है, तुम सात्विकता की ओर बढ़ रहे हो, उसका पेन है। अब वो तुम बर्दाश्त कर गए 1 मंथ तक, उसके बाद देखो फिर मजे क्या होता है। लेकिन रुकना पड़ेगा तुम्हें उसके लिए, भगोड़ा बन के भाग जाओगे फिर तुम्हें बेनिफिट नहीं लगेंगे। अगर मेरे साथ टिक गए फिर देखो तुम बेनिफिट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना देखना फिर तुम, ये अर्जीज वगैरह नाइटफॉल सब कुछ बंद हो जाएगा, जो तुम्हें नाइटफॉल का जो पंगा है ना, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। लिख के देता हूँ मैं ये बात, जो बंदा सुबह 3 बजे उठ रहा है ना, उसका नाइटफॉल हो ही नहीं सकता लाइफ में। फिर जो नाइटफॉल का जो टाइम होता है ना, ये ज्यादा जो टाइम है ना 3 से 5 के बीच में होता है, 90% ऑफ टाइम। ये है भाई पूरी कन्वर्सेशन आज की।